What matters the most? Bharat matters. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स पे। कश्मीर को धरती का स्वर्ग यानी हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मौजूद कश्मीर वैली हिमालयाज और पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बीच लोकेटेड है। कल्पना कीजिए कि आप कश्मीर की यात्रा पर हैं और इस दौरान आपकी ट्रेन खूबसूरत पहाड़ी इलाकों से गुजर रही है, जहां ट्रेन की विंडो से काराकोरम रेंजेस के विशाल माउंटेन्स, हिमालयाज से निकलती घुमावदार नदियां और रास्ते में मौजूद एकाएक वाटरफॉल्स का नजारा देखने को मिल रहा है। ये अभी तक तो सपना है, पर जल्द ही ये सपना हकीकत में तब्दील होने वाला है और आप वास्तव में कश्मीर यात्रा के समय इन चीजों को अनुभव करने वाले हैं। दरअसल यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अभी कुछ ही दिन पहले यह अनाउंस किया है कि दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 के अंत तक कश्मीर वैली में ट्रेन जर्नी का सपना साकार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू श्रीनगर रेल लिंक पर चल रहा काम इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाने की पूरी संभावना है। रिसेंट अपडेट्स के अनुसार उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL का 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। वहीं गवर्नमेंट की प्लानिंग नेक्स्ट ईयर इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की है। दोस्तों, आज के हमारे इस डिस्कशन में हम जम्मू श्रीनगर रेल लिंक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जहां इस वीडियो डिस्कशन में हम इस रूट के सिग्निफिकेंस को समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इस रेल रूट से जम्मू एंड कश्मीर की कनेक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 370 के रिवोक किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने का काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से नेसेसरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और यहाँ डिफरेंट स्कीम्स लाने की तैयारी लगातार चल रही है। वहीं अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को रेल लाइन से कनेक्ट करने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट किया। इस दौरान उन्होंने खुद रेलवे ऑफिशियल्स के साथ बडगाम स्टेशन से बारामूला तक बाई ट्रेन ट्रैवल भी किया। साथ ही यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर में सभी रेलवे एंड टेलीकॉम प्लान्स को लेकर LG मनोज सिन्हा के साथ डिस्कशन किया, ताकि इजिली इन प्लान्स को लोगों तक पहुंचाया जा सके। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक आने वाले समय में कश्मीर वैली में कुपवाड़ा, पहलगाम और शुपियान को भी जल्द ही इंडियन रेलवे से कनेक्ट किया जाएगा। बताया गया है कि बारामूला लाइन्स का डबलिंग किया जाएगा, साथ ही इस लाइन में 3 कनेक्शन और जुड़े जाएंगे। आपको बता दें कि इस लाइन पर कई वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इनमें इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। वहीं ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इस रेल लाइन को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल तक बढ़ाया जाएगा। न्यू रेल लिंक के स्टार्ट होने के साथ ही इस रूट पर जल्द ही जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। इसके लिए खास तरह की वंदे भारत डिजाइन की जा रही है। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक कश्मीर के स्नो एंड कोल्ड वेदर की वजह से एक स्पेसिफिक वंदे भारत डिजाइन की जा रही है और नेक्स्ट ईयर तक इस रूट पर ये वंदे भारत चलने की उम्मीद है। वहीं फिलहाल जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस में पहले से ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशनलाइज्ड है। इस ट्रेन का नाम है दिल्ली माता वैष्णो देवी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कटरा रूट पर चलती है। तो कश्मीर वैली में रेल लाइन शुरू करने का सपना इंडिपेंडेंस के पहले देखा गया था। 1898 में महाराजा प्रताप सिंह ने फर्स्ट टाइम जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करने वाली एक रेलवे लाइन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया था, लेकिन हिली टेरेन में ट्रैक बिछाने में इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए इस आइडिया को होल्ड कर दिया गया। हालांकि 1905 में महाराजा ने हिस्टोरिक मुगल रोड के थ्रू जम्मू एंड श्रीनगर के बीच वाया रियासी रेलवे लाइन को इम्प्रूव किया था। पीर पंजाल रेंज में 11,000 फीट पर मुगल रोड के थ्रू 763 mm गेज रेलवे ट्रैक बिछाने की प्लानिंग थी, जो कि एक स्पेक्टेकुलर लो गेज था, लेकिन ये एक एलिवेटेड पास के थ्रू होना था, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिहाज से इम्प्रैक्टिकल था। और फिर 1947 में पार्टीशन के साथ स्टेट इंडियन रेल ग्रिड के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया गया और पठानकोट टू जम्मू न्यू लाइन बिछानी पड़ी। 54 किलोमीटर जम्मू उधमपुर स्ट्रेच का फाउंडेशन रखा। बाद में रेलवेज ने वादा किया कि कश्मीर वैली में बारामूला तक रेल लिंक को 290 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन कई सालों तक इस प्रोजेक्ट पर कुछ नहीं हो सका। इस दौरान देश में कई प्राइम मिनिस्टर बदल गए। 1996 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने उधमपुर टू बारामूला रेल लिंक के लिए 2600 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए।
वहीं 1997 में प्राइम मिनिस्टर रहे एचडी देवेगौड़ा ने उधमपुर में यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा था, लेकिन 1997 में प्रोजेक्ट के फाउंडेशन के बाद कई सालों तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया और फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। USBRL प्रोजेक्ट का काम 15th ऑफ अगस्त 2007 में पूरा होना था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसकी कई डेडलाइंस मिस हो चुकी हैं और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 20 साल पीछे चल रहा है। इस वजह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ती गई है। USBRL प्रोजेक्ट की ओरिजिनल एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹27,949 करोड़ थी, लेकिन नदन रेलवे के मुताबिक फरवरी 2022 तक इस पर ₹26,964 करोड़ खर्च हो चुके हैं और उस समय तक लगभग इसका 81% काम पूरा हो पाया था। इस लिहाज से इस प्रोजेक्ट पर 37,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। इस रूट पर 4 सेक्शंस हैं, उधमपुर टू कटरा, कटरा टू बनिहाल, बनिहाल टू काजीगुंड और काजीगुंड टू बारामूला। रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल इंपॉर्टेंस वाले 272 किलोमीटर लंबे USBRL के इस प्रोजेक्ट में 161 किलोमीटर लंबा रूट पहले से कमीशन और ऑपरेशनलाइज्ड है, जिसे फेजेस वाइज कंप्लीट किया गया था। फर्स्ट फेज के अंदर अक्टूबर 2009 में 118 किलोमीटर लंबे काजीगुंड बारामूला सेक्शन कमीशन किया गया। इसके बाद 2013 में 18 किलोमीटर लंबा बनिहाल काजीगुंड सेक्शन और 2014 में 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा रूट को शुरू किया गया, जिसके बाद अब 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल सेक्शन का काम चल रहा है। इस सेक्शन में टोटल 37 ब्रिजेस और 35 टनल्स बनने वाले हैं। साथ ही ये इन एक्सेसिबल रेल लिंक 97.57 किलोमीटर टनल के थ्रू पास होगी। कटरा बनिहाल रेलवे लिंक पर बनी टनल T49 इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी टनल है, जिसकी लेंथ 12.57 किलोमीटर है। ये टनल जम्मू कश्मीर के रम्बन डिस्ट्रिक्ट में बनी है। वहीं इस रूट पर बने टनल T13 की लेंथ 9.8 किलोमीटर है, जो कि रेलवे की तीसरी सबसे बड़ी टनल है, जबकि बनिहाल काजीगुंड सेक्शन पर इंडियन रेलवे की सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल पीर पंजाल टनल है, जिसकी लेंथ 11.2 किलोमीटर है। करेंटली रनिंग बनिहाल बारामूला रूट में टोटल 17 स्टेशंस हैं, जिनके नाम आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। USBRL प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 मेजर एजेंसी काम कर रही हैं। इनमें नदन रेलवे, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड IRCON साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हैं। इन सभी एजेंसीज को ऐसे रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन का वास्ट एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में कई इंटरनेशनल एजेंसी और लीडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT रुड़की, IIT दिल्ली, DRDO और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, यदि जम्मू कश्मीर रेल लिंक के रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL का 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू USBRL ऑफिशियल्स, जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करने वाली सभी नेसेसरी टनल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं और बाकी का काम भी तेजी से चल रहा है। कटरा बनिहाल का 111 किलोमीटर लॉन्ग रेल सेक्शन का वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सेक्शन मोस्ट चैलेंजिंग है, क्योंकि 111 किलोमीटर में से 97.34 किलोमीटर का ट्रैक टनल के थ्रू पास होगा। इसमें जम्मू से बारामूला तक माउंटेन्स, स्लोप्स और अर्थक्वेक प्रोन सेंसिटिव एरिया भी आते हैं। इस वजह से सेक्शन में 27 मेजर ब्रिजेस और 10 माइनर ब्रिजेस बनाने पड़े हैं। इसी सेक्शन में चेनाब ब्रिज भी है, जिसका काम लास्ट ईयर 14th ऑफ अगस्त को कंप्लीट किया गया था। रियासी डिस्ट्रिक्ट के कोरी एरिया में चेनाब रिवर पर बना यह ब्रिज हमारी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज है, जिसकी हाइट 359 मीटर है, जो कि पेरिस के आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है। वहीं इस ब्रिज की टोटल लेंथ 1315 मीटर है। अपने रिसेंट विजिट के दौरान रेलवे मिनिस्टर ने रेलवे ऑफिशियल्स के साथ इस ब्रिज पर ट्रैक माउंटेड ट्रॉली से फर्स्ट रन पर ट्रैवल किया। चेनाब ब्रिज पर ट्रैक वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब इलेक्ट्रिक वर्क और कवच, जो कि एक एंटी कोलिजन सेफ्टी डिवाइस है, उसका इंस्टॉलेशन वर्क जारी है। साथ ही इस रूट में आने वाली लगभग सभी टनल का काम भी पूरा हो गया है। टनल्स को सेंसिटिव सीस्मिक जोन्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है और स्ट्रक्चर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया है। साथ ही इसके डिजाइन में वैली में आने वाले फ्लड्स का भी खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा रिमोट एरियाज से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचने के लिए 203 किलोमीटर न्यू रोड्स बनाई गई हैं। दोस्तों, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL के शुरू हो जाने से जम्मू कश्मीर की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। खासकर कश्मीर की इकोनॉमी में रिवॉल्यूशनरी चेंज आएगा। कैसे, एक एक करके देखते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी एम रेलवे के थ्रू कश्मीर वैली और दूसरे फ्रंटियर एरियाज का
देश के मेन लैंडमार्क से इंटीग्रेशन और हिस्टोरिकल आइसोलेशन को खत्म करना है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट इस रीजन में लोगों के लिए ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉस्पेरिटी और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इस प्रोजेक्ट से बैकवर्ड रीजन्स को खास बेनिफिट्स होगा, स्पेशली रियासी और रम्मन जैसे डिस्ट्रिक्ट को काफी फायदा। हिंटरलैंड एरिया जहां पैदल या बोट्स के थ्रू पहुंचा जा सकता है, वहां रोड कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो गई है और अब रेलवे के आने से ये रीजन और भी वेल कनेक्ट हो पाएंगे, जिस वजह से मेडिकल, एजुकेशनल, मार्केट और बिजनेस एक्टिविटीज भी और ज्यादा एक्सेसिबल हो पाएंगी। USBRL से कश्मीर वैली में ट्रेड को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नेटवर्क बिल्ट होगा, जिस वजह से कश्मीर के एप्पल एंड फर्दर फ्रूट्स देश के बाकी रीजन में इजिली एंड फास्ट तरीके से पहुंचाए जा सकेंगे। वहीं पूरे भारत से दूसरी रिक्वायर्ड कॉमोडिटीज भी कश्मीर के लोगों तक पहुंचाई जा सकेंगी। इस रेल रूट के कंप्लीट होने से जम्मू श्रीनगर के बीच पूरे ट्रैफिक पैटर्न के चेंज होने की उम्मीद है। प्रेजेंटली रफ टेरेन और लैंडस्लाइड्स की वजह से ट्रक्स की कतार कई बार रम्मन से जम्मू तक देखने को मिलती है, जहां इन ट्रक्स को जम्मू से श्रीनगर पहुंचाने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। ये ह्यूमंगस टाइम टर्न अराउंड ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है और ट्रक अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। इससे ट्रैफिक जाम के अलावा फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है और इससे पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। वहीं ट्रैफिक सिचुएशन को मैनेज करने के लिए बड़ी संख्या में ह्यूमन रिसोर्स को भी डिप्लॉय करना पड़ता है, लेकिन रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन काफी चीप और फास्ट हो जाएगा। दरअसल ट्रेन का एक गुड्स रेक ऑलमोस्ट 130 से 150 ट्रक्स के बराबर सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। वहीं ट्रक से जिस सामान को पहुंचाने में 24 घंटे का वक्त लगता है, वो ट्रेन से सिर्फ 6 से 7 घंटों में ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। साथ ही स्ट्रैटेजिकली भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक काफी इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटीज के मुताबिक ये रेलवे लाइन पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ हॉस्टाइल बॉर्डर्स को फेस करने वाले रीजन्स में मिलिट्री सप्लाई चेन्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके पूरा होने से डिफेंस फोर्सेस के मूवमेंट और दूसरी चीजों की सप्लाई में काफी कम टाइम लगेगा। फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अमृतपाल सिंह के मुताबिक इस रेल रूट से हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम पीस और वॉर दोनों सिचुएशंस में 10 गुना बढ़ जाएंगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनल डिसकॉन्टिनेंट से निपटने में भी ये रेल लिंक हेल्पफुल होगी और सरकार को इस रीजन में एक मजबूत पकड़ देगी। दोस्तों, नो डाउट इंडिया कश्मीर को हिमालयन फुटहिल से कनेक्ट करने के लिए अब तक की मोस्ट चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उधमपुर, कटरा, काजीगुंड, बारामूला लिंक हिमालयन रीजन में हिस्टोरिकल चेंजेस लाएगा, जो ना सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को चेंज करेगा पर भारत को स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और जैसा मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, द क्राइसिस ऑफ कश्मीर इज एम्बेडेड इन द क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट इन कश्मीर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स इन कश्मीर वैली विद सूटेबल एग्जांपल्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।